स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं रोहित जुगलान। बात करेंगे आज इस बग्गी को लेकर के जो भारत ने पाकिस्तान से जीती थी। कैसे जीती, टॉस क्यों हुआ, इन सारी चीजों पर आएंगे। और टॉस जीतकर कैसे ये बग्गी, जी हां, ये ना तो किसी ने हमें तोहफे में दी, ना ही हमने इसके लिए कोई बकाया चुकाया। हमने ये बग्घी पाकिस्तान से टॉस कर जीती है, जो क्रिकेट मैच से पहले अमूमन तौर पर आपको देखने को मिलता है, या अलग अलग मैचेस में फुटबॉल में भी टॉस होता है पाला चुनने के लिए। तो अगर आप पूरी की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ी दिलचस्प एक तरीके से हिस्ट्री है इस बग्घी को लेने के लिए, जिसमें सोने की परत चढ़ी हुई होती है, घोड़े इसे हांकते हैं, और निश्चित तौर पर जब भी राष्ट्रपति इस पर बैठते हैं तो उनके सफर को हर कोई कवर इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रीय आयोजन की एक बहुत ही अहम तारीख होती है। जैसे आज की तारीख 26 जनवरी, और 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र 75वीं सालगिरह थी और इसका जश्न मनाया गया। लेकिन ये जो ठीक इस तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बग्घी में बैठे हुए हैं। और इस बग्घी क्योंकि देखिए हुआ क्या कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो 2:1 रेशियो में जो है वो सेनाएं बांटी गई। अब 2:1 मतलब, अगर जैसे उदाहरण के तौर पर सोच लीजिए कि भाई 12 कुल जवान है तो 8 भारत के पास और 4 पाकिस्तान के पास जाएंगे, लेकिन बग्घी तो एक ही थी, तो बग्घी कहां जाएगी, क्या भाई भारत के पास रहेगी या ये पाकिस्तान के पास रहेगी, इसको लेकर के सारी की सारी गुणागणित हुई। और उस वक्त पे ब्रिटिश काल में ये बग्घी वॉइसरॉय के पास हुआ करती थी, वॉइसरॉय जब भी चलते थे तो इस बग्घी में चलते थे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दरअसल बग्घी का संचालन जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, वरना आजादी के बाद से एक तरीके से आप देखेंगे तो राष्ट्रपति इसी बग्घी में बैठ के तमाम तरह के आयोजन, जो भी आयोजन होते थे, ये शाही सवारी कही जाती है, और इसीलिए आज की तारीख में भी आप इसका इस्तेमाल देखते हैं। 1984 के बाद लगभग 3 दशक के बाद इसे पहली बार इस्तेमाल में लाया गया, जब उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने इसकी शुरुआत करी, और वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो होती है 29 जनवरी को, उसमें बग्घी में बैठकर पहुंचे, तो वहां से ये चलन शुरू हो गया। फिर उनके बाद जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने भी बग्घी में जो अपनी शपथ प्रक्रिया होती है, जो अपनी स्वरिंग इन सेरेमनी जिसे कहते हैं कि भाई आप संसद भवन से जो राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे वो आप इसी बग्घी को चुनते हैं, इस बग्घी का चुनाव किया गया कि हम इसी बग्घी में बैठकर जो है वो यहां से आगे का सफर तय करेंगे। तो वहां से जो बग्घी का संचालन था वो एक बार दोबारा शुरू हुआ, और आज भी जब आपने देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो इसी बग्घी में बैठकर जो है वो सिर्फ इस परेड का हिस्सा बनने नहीं पहुंचे बल्कि वापस भी इसी से गए। और उसके बाद अगर आप एक आखिरी जो चीजें तय हुई 1947 में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सेना तो बट चुकी थी 2:1 में, लेकिन बग्घी को आखिर कौन ले जाए, तो इसमें जो यहां पर हमारे कमांडेंट थे एक तरीके से अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के, उनका नाम था कर्नल एक तरीके से ठाकुर गोविंद सिंह, कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह ने इस चीज को लेकर के कहा कि नहीं, सीधे तौर पर पाकिस्तान को तो नहीं देने दिया जाएगा ये सारी की सारी चीजें। और वहां पाक सेना के साहिबजादे थे अगर आप उन्हें देखेंगे, याकूब खान, तो इधर कर्नल ठाकुर सिंह और उधर पाक सेना के साहिबजादे याकूब खान, इन दोनों के बीच बाकायदा एक टॉस हुआ था, सिक्का उछाला गया, भारत उस टॉस को जीता। टॉस जीतने का मतलब था कि ये जो ऐतिहासिक एक लेगेसी कैरी करती आ रही बग्घी है ये हिंदुस्तान की हुई। हालांकि इसकी आलोचना लोग इसलिए भी करते हैं, लोग कहते हैं कि ब्रिटिश काल की जो चीजें हैं उसे अभी तक, जो उन्होंने दिया है उसे अभी तक आप अपनी जो विरासतें हैं उन पर जोड़े चले जा रहे हैं, थोड़ा सा इसका इस लिहाज से क्रिटिसिज्म भी होता है। पर ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको ये दिलचस्प लगी है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।